हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को बेटा हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है बेटा, कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर हम इक्वल अमाउंट के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, उसके अंदर मटेरियल के किसी पार्ट्स पर आपको कम चार्ज मिलेगा, किसी पार्ट्स पर आपको ज्यादा चार्ज मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। बेटा देखो, हमने एक वायर ली बेटा, जिसकी लेंथ है एल। उस पे क्या वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। अब हमने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली, तो वो हो गया आपकी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस वायर के ऊपर चार्ज कितना था बेटा, क्या हो इसकी लेंथ कितनी थी एल, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ इफ ए चार्ज क्या इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन ऑफ लेंथ एल, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसने क्या बात बोली बेटा, हमने कोई भी वायर ली जिसकी लेंथ क्या एल है, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या हो, तुमने इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी एसआई यूनिट है बेटा कूलाम पर मीटर। अब जो नेक्स्ट आपकी वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। बेटा देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई मटेरियल, इसका सरफेस है एस। ठीक है बेटा, इसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या हो, तो हमसे पूछा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। बेटा देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो, इट ए इफ ए चार्ज क्या हो इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया एस, ठीक है, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। बेटा देखो, सरफेस एरिया कितना है इसका एस, इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने क्या हो, तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ये आपके टू डायमेंशनल केस है, तो इसकी एसआई यूनिट होगी बेटा कूलाम्ब पर मीटर स्क्वेयर। बेटा जो हमारा थर्ड है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कोई मटेरियल है, इसका वॉल्यूम वी है बेटा, इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या हो, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं रो से बेटा। इसकी एसआई यूनिट होगी कूलाम्ब पर मीटर क्यूब बेटा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल केस है बेटा। ये तो हमने बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम इनको पढ़ेंगे फोर्स के केस में बेटा, अब इनको पढ़ेंगे फोर्स के केस के